नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओएस। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र नगर विधानसभा से विधायक सुबोध उनियाल के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को हरामखोर बना रहे हैं। इस बयान के बाद से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। सुबोध उनियाल के बयान के बाद हल्द्वानी में भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हल्द्वानी विधानसभा के प्रभारी समित टिक्कू के नेतृत्व में सुबोध उनियाल का पुतला दहन किया गया। समित टिक्कू का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए अच्छी कार्यनीतियां सामने ला रही है तो भाजपा को समस्या हो रही है, जिसका जवाब उसको उत्तराखंड की जनता आने वाली विधानसभा चुनाव में आपको अपना समर्थन देकर देगी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी कि हम सत्ता में आते ही कुछ फ्री बिजली, फ्री रोजगार देंगे, तो उस पर जो सुबोध उनियाल जी का बयान कि ये मुफ्तखोरी है और ये हरामखोर, मतलब हमारी उत्तराखंड की जनता को जो उन्होंने हरामखोर कहा है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। और ये जनता हरामखोर नहीं, हरामखोर हमारे नेता हैं जो फ्री की सुविधाएं ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर। तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।